आज मैं आपके साथ एक और नई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ जो आपकी बीमारियों का इलाज आप अपने किचन में मौजूद जड़ी बूटियों से आसानी से कर सकते हैं। सौंफ, अक्सर खाना खाने के बाद लोग सौंफ खाते हैं जो आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि सौंफ से मुखवास कैसे बनाते हैं, वो भी घर में मौजूद सामान से, आप इसे आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है और साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। दालचीनी, हर दिन आधा चम्मच दालचीनी लेने से यह आपकी खोई हुई ऊर्जा लौटा देता है। इलायची, सुगंध भरी इलायची न सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाती है बल्कि इसमें मौजूद एसेंशियल ऑयल हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करते हैं। जायफल, यह खांसी को ठीक करने में मदद करता है और मूड अच्छा करता है, साथ ही यह मेमोरी के लिए भी अच्छा है। फ्रेंड्स, जायफल का आपको उपयोग करना चाहिए, यह मेमोरी बूस्टर एक जड़ी बूटी है। इसके बाद आता है अदरक, अदरक वाली चाय पीने से आपका मूड तो ठीक होता है साथ ही यह आपकी मांसपेशियों को रिपेयर करने में मददगार होता है। नेक्स्ट, इमली, इमली तो आप सब जानते होंगे और आप इसका इस्तेमाल भी करते होंगे, आप इसके बारे में जानते नहीं होंगे कि इसमें कितने सारे गुण मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिए इसमें क्या गुण मौजूद है। इमली खट्टी मीठी, इमली में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं। इसका पाउडर नियमित खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य बना रहता है और यह किडनी स्टोन की समस्या पनपने नहीं देता है। वैद्य इसे बुखार कम करने के कारगर दवा भी मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जान गए होंगे कि इमली में कितने सारे गुण मौजूद है। नेक्स्ट, लौंग, हड्डियों को सिर्फ दूध से नहीं मजबूती मिलती है, हर रोज खाने में 2 लौंग भी हड्डी मजबूत बनाने में मददगार है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, देसी घी, इन दिनों ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल सबसे हेल्दी माना जा रहा है, लेकिन इससे भी बेहतर है गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी। इस घी में CLA प्रचुर मात्रा में होता है, ये फैट को घटाने में कारगर है। फ्रेंड्स, आप ये सारी जड़ी बूटियों का रेगुलर अपने खाने में यूज कीजिए, डालिए और इसे अपने स्वास्थ्य को सुधारिए। फ्रेंड्स, आप ये टिप्स फॉलो कीजिए और ये इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।